ओके हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूँ विशी और आप देख रहे हैं बोर्न टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक स्टॉक है जो आपको इन्वेस्टमेंट का मौका दे रहा है और ये एक अच्छा स्टॉक है। आपके इसके क्या है कि फंडामेंटल देखोगे, बाद में टेक्निकल देखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। सो इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते हैं। और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो अब हम आ चुके इस कंपनी के फाइनेंशियल के ऊपर। तो पहले हम इसका थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं, सो आपको आइडिया है कि ये कंपनी है कैसी। तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में आप देखोगे तो इस कंपनी का सेल्स ईयर टू ईयर इंक्रीज हो रहा है। तो कोई भी कंपनी के लिए ईयर टू ईयर सेल्स अगर इंक्रीज हो रहा है, बीच में एक ऐसा ईयर आएगा जो आपको क्या है कि डाउन साइड दे सकता है, लेकिन अगर क्या है कि वो कंटिन्यूसली 3-4 ईयर के बाद इंक्रीज हो रहा है तो वो कोई भी कंपनी के लिए अच्छी बात होती है। तो सेल्स में हमें कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही, वो ईयर टू ईयर इंक्रीज हो रहा है, सो अच्छी बात होती है। बाद में हम देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप देखो ईयर टू ईयर इंक्रीज हो रहा है, वो भी कोई भी कंपनी हो उसके लिए अच्छी बात होती है, क्योंकि वो प्रॉफिट कमा रही है। बाद में हम नेट प्रॉफिट देखते हैं। तो नेट प्रॉफिट में भी आपको एक अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है, मतलब ईयर टू ईयर ये अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही है और ये इंक्रीज होता जा रहा है। सो कोई भी कंपनी के लिए उसका सेल्स इंक्रीज होना, उसका प्रॉफिट इंक्रीज होना अच्छी बात होती है। बाद में ईपीएस भी देख लेते, तो ईपीएस भी एक अच्छा है कि ईयर टू ईयर इंक्रीज हो रहा है और ये डिविडेंड भी पे करती है। तो इन सिंपल हम इधर देखें पीएल एंड स्टेटमेंट में तो आपको ये कंपनी अच्छी लग रही है। अभी हम इसके रिजर्व एंड डेप्ट के बारे में देख लेते हैं। तो जब हम इस कंपनी का रिजर्व देखते हैं तो वो ईयर टू ईयर इंक्रीज हो जा रहा है, सो अच्छी बात होती है कोई भी कंपनी के लिए। बाद में बोरोइंग मतलब डेब्ट की बात करें तो इस कंपनी के ऊपर इतनी ज़्यादा डेब्ट भी नहीं है, सो और एक अच्छी बात हो जाती है कि इतनी ज़्यादा डेब्ट नहीं है तो उसको इंटरेस्ट पे करने में दिक्कत नहीं होगी, वो सब कुछ नहीं होगा। तो अभी हम इसका क्या है कि एक बार जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वहाँ से हम आइडिया लगाते हैं कि मैनेजमेंट कैसा है वो देख लेते हैं, सो आपको और बेटर आइडिया है कि यह कंपनी फाइनली एक अच्छी कंपनी है। में ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसके बारे में आपको कुछ नॉलेज ही नहीं है, समझ गए। सो हम क्या है कि प्रॉपर इसका एनालिसिस करेंगे, बाद में चार्ट पे देखेंगे कि कहां हमें एंट्री लेने का मौका मिल रहा है। तो अभी हम आ चुके इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। तो जो प्रमोटर के पास होल्डिंग है वो 61.9 है, मतलब एक अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर के पास है, जो एक अच्छी बात होती है। बाद में एफआईएस ने भी इसने इन्वेस्ट कर रखा है और लास्ट क्वार्टर में इसने क्या की थी, अपनी होल्डिंग इंक्रीज की थी। बाद में म्यूचुअल फंड के पास भी एक अच्छी खासी होल्डिंग है जो है 4.37%। तो ये हम शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से देखें तो प्रमोटर के पास एक अच्छी होल्डिंग है, एफआईएस ने इन्वेस्ट कर रखा है, म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट कर रखा है, तो एक अच्छी बात होती है कोई भी कंपनी के लिए। बाद में जब हम इसमें प्लेज प्रमोटर होल्डिंग देखते हैं तो उसमें नन है, मतलब इस कंपनी के जो प्रमोटर है उसने अपनी होल्डिंग गिरवी नहीं रखी है, सो एक अच्छी बात होती है कोई भी कंपनी के लिए। इन सिंपल हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस देखें इस कंपनी का तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है, प्रोडक्ट वाइज अच्छा दिख रहा है। इसमें अगर आप सेल्स देखें तो वो भी इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है, सो अच्छी बात होती है कोई भी कंपनी के लिए। अभी हम इसमें देखते हैं चार्ट में कि कहाँ आपको बेस्ट एंट्री मिल सकती है। तो पहले हम बात कर लेते हैं ये कंपनी कौन सी है। तो इसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर। बहुत सारे लोग इसको जानते हैं, बहुत सारे ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है ऑलरेडी। सो अभी हम बात कर लेते हैं कि चार्ट पे कहाँ आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो जो हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट है ये वन डे का चार्ट है। तो पहले हम देख लेते हैं कि हाल फिलहाल इसमें क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। तो आप देखिएगा तो मेरे को एक राइजिंग सपोर्ट लाइन देखने को मिल रही है, ये इसका लास्ट लो था, बाद में क्या है कि ये लो बनाया, यहाँ एक अच्छी खासी बाइंग हुई थी, बाद में यही लाइन पर क्या है कि सपोर्ट ले रहा है। देखिए यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया और हाल फिलहाल इसके पास से अबो जा रहा है। तो ये जो पॉइंट है हाल फिलहाल का पॉइंट, ये भी आपके लिए अच्छा पॉइंट हो सकता है बाइंग के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, और जो पोजिशनल ट्रेडिंग है उसके लिए। जो पोजिशनल वाले हैं वो क्या है कि अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा सकते हो, लॉन्ग टर्म वाले क्या है कि थोड़ा नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अभी हम बात कर लेते कि इस कंपनी का मेन सपोर्ट क्या है, मेन रेजिस्टेंस क्या है।
हाल फिलहाल जो पॉइंट है वहां से आप बाइंग कर सकते हो, क्योंकि एक अच्छा स्टॉक है नॉर्मली अपने सपोर्ट के पास है, तो सपोर्ट के पास बाय करना एक अच्छी चीज होती है इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आपने ऑलरेडी बाय किया है तो आप उसमें ऐड कर सकते हो, अगर न्यू पोजीशन बनाना चाहते हो तब भी आप इधर बना सकते हो, लेकिन पहले आप अपनी एनालिसिस कीजिए, बाद में ही कोई इन्वेस्टमेंट कीजिए, समझ गए। हाल फिलहाल एक अच्छे पॉइंट पे है, नो डाउट आप इधर से ऐड कर सकते हो। अभी हम इसका मेन सपोर्ट की बात करें तो जो इसका मेन सपोर्ट होगा वो मेरे हिसाब से जो ये है वो होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये जो कैंडल है ना वहाँ आपको बहुत अच्छी बाइंग होती हुई दिख रही थी, तो नॉर्मली जिसने यहाँ बाइंग किया है तो वो क्या करेंगे, इसको क्या है कि इसके नीचे नहीं जाने देंगे। बहुत अच्छी क्वांटिटी से बाइंग हुई थी, समझ गए, और ये नॉर्मली बड़े प्लेयर थे। एक बार इसमें वॉल्यूम देखो तो आपको और बेटर आइडिया आएगा, देखो इसमें कितना ज़्यादा वॉल्यूम है, समझ गए। तो इधर एक अच्छी बाइंग हुई तो सो जो मेरा मेन सपोर्ट होगा इसमें वो 1900 के लेवल के आसपास होगा। आप इसका हाई भी ले सकते हो कि इसके हाई के आसपास भी आप बाई कर सकते हो, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये 1900 के पास जाए, समझ गए। तो ये जो जोन होगा 1900 से लेकर 2000 ये इसका मेन सपोर्ट है। अगर आपको इन फ्यूचर यहाँ कहीं भी मिल जाता है तो आप इसमें एडिंग कर सकते हो अपने इन्वेस्टमेंट में, समझ गए। तो ये इसका मेन सपोर्ट था। अभी इसकी रेजिस्टेंस की बात करें तो मैं इसका ऑल टाइम हाई पहले रेजिस्टेंस मानता हूँ, तो ये इसका मेन रेजिस्टेंस है। अगर इसके नीचे मेरे को रेजिस्टेंस चाहिए तो मैं इसको लेके जाऊँगा, जो ये पॉइंट है वो। तो इन सिंपल जो हमारा 2500 से लेके 2600 होगा वो हमारा रेजिस्टेंस जोन की तरफ बिहेव करेगा। हो सकता है कि वो इसको ब्रेक करके अपर भी चला जाए और हो सकता है वहाँ से ये रिवर्स भी आ जाए। तो इन सिंपल इसमें जो हमारा बाइंग जोन होगा वो 1900 से लेके 2000 होगा, और जो हमारा सेलिंग जोन होगा जो जोन रहेगा आपका 2500 से लेके 2600 तक, समझ गए। नॉर्मली सप्लाई एंड डिमांड जोन जो है वो ट्रेडिंग के लिए है, मोस्टली जो बाइंग एंड सेलिंग करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, उसके जो लॉन्ग टर्म है वो क्या कर सकते हैं, जब भी आपको डीप में मिले तब आप इसको ऐड कर सकते हैं। डीप में मिलने का मतलब है कि ये सपोर्ट लाइन पे, मतलब जो राइजिंग ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर, या तो कोई बड़ा सपोर्ट है वहाँ आपको मिले तब भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। नॉर्मली कोई भी अच्छी कंपनी हो तो उसको हम शॉर्ट टाइम में नहीं सेल करते, इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड अगर आपका पर्पज है तब। अभी हम इसमें एक और चीज देख लेते जो आपको क्या कि हाल फिलहाल एक सपोर्ट कर रही है। तो जब हम इसमें क्या कि फिबोनाची लेवल्स लगा रहे, एक बार मैं इसको ऐड कर देता हूं सो आपको आइडिया है। तो जब मैं इसमें फिबोनाची लेवल्स लगा रहा हूं तो हाल फिलहाल जो ये रिवर्स हुआ है वो 0.38 से रिवर्स हो रहा है। तो मतलब अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात करें तो वो भी हमें सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है, तो 0.38 के लेवल से ये अपर जाता हुआ दिख रहा है। तो जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करते हो तो उसको आइडिया होगा 0.38 का लेवल, 0.5 का लेवल, 0.61 का लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं कोई भी स्टॉक को रिवर्स करने के लिए। तो फिबोनाची लेवल्स भी हमें सपोर्ट करे हाल फिलहाल के लिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लाइक कमेंट करोगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे वीडियो आगे लेके आएंगे, सो प्लीज यार लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, जय हिंद।